हेलो एवरीवन, क्या आप अपनी अंग्रेजी की समझ और अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण में सुधार करना चाहते हैं तो कृपया हमारे दैनिक मीनिंग इन हिंदी वीडियो पर जाएं और देखें, जहां हम हर दिन एक नया अंग्रेजी शब्द कवर करते हैं और हिंदी में इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। इसीलिए हर एक दिन एक नया वर्ड का मीनिंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज का वर्ड है स्ट्रॉन्ग, जो इस वीडियो में इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग आप समझने वाले हैं। स्ट्रॉम, जिसका हिंदी मतलब होता है आंधी तूफान। ए डायरेक्ट एंड वायलेंट एसल्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक गर्भ पर सीधा और हिंसक हमला। आइए वीडियो में आगे और समझते हैं स्ट्रॉम का इन्फॉर्मेशन। मूव एंग्रेली और फोर्सफुली इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी निर्दिष्ट दिशा में क्रोधपूर्वक या बलपूर्वक आगे बढ़ना। ए वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ ए स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड यूजुअली रेन, थंडर, लाइटिंग और स्नो, तेज हवाओं और आमतौर पर बारिश, गरज, बिजली या बर्फ के साथ वातावरण में हिंसक गड़बड़ी, इसी को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब, जिसका विवरण आप यहाँ समझ सकते हैं, तूफान या आधी। पृथ्वी, किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को कहते हैं, जो अक्सर सख्त मौसम के साथ आती है। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना, भारी बारिश, भारी बर्फबारी, बादलों और बिजली का चमकना जैसे मौसमी गतिविधियां दिखती हैं। आमतौर पर तूफान आने से साधारण जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यातायात और अन्य दैनिक क्रियाओं के अलावा बाढ़ आते हैं, बिजली गिरने के और भी बहुत से नुकसान होने के हालात हो जाते हैं, जो अभी आप इस वीडियो में पढ़कर समझ सकते हैं। आइए यहाँ समझते हैं स्ट्रॉम का हिंदी अर्थ। हिंदी मतलब तूफान, आक्रमण, धावा, चक्रवात, आधी, बलवा, रेला, झंझावात, प्रचंड वायु, झक्कर, क्रोध करना, धावा करना, क्रोध होना, हमला करना, चढ़ाई करना, अधिकार में करना, आग बबूला होना, गवंडर उठाना, क्रोध से बोलना, गुस्से से चीखना। इस तरह से ये सब जो शब्द हैं स्ट्रॉम के हिंदी अर्थ और हिंदी मतलब है। स्ट्रॉम का यहाँ शब्द रूप है वर्ड्स फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉम, जो यहाँ प्लुरल यानी कि बहुवचन में स्ट्रॉम से होता है। पास्ट टेंस भूतकाल में स्ट्रॉम्ड, इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल में होता है स्ट्रॉमिंग और यहाँ प्रेजेंट टेंस में स्ट्रॉम्स। ये है स्ट्रॉम के शब्द रूप। यहाँ आप स्ट्रॉम का परिभाषा समझ सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ स्ट्रॉम, ए वायलेंट वेदर कंडीशन विथ विंड्स 64 to 72 नॉट्स वर 11 ऑन द बीफोर्ट स्केल एंड प्रीपोजिशन एंड थंडर एंड लाइटिंग, मतलब हवाओं के साथ एक हिंसक मौसम की स्थिति 64 to 72 समुद्री मील, बीफोर्ट पैमाने पर 11 यानी कि 11 और वर्षा और गरज और बिजली। इसी तरह से यहाँ स्ट्रॉम के समानार्थक शब्द है, जो यहाँ अभी आप स्क्रीन पर पढ़कर इसे आप याद कर सकते हैं। इसे आप अपने लाइफ में, अपने माइंड में इसे अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, जो यहाँ स्ट्रॉम के समानार्थक शब्द है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ है स्ट्रॉम का वाक्य, जिसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि द स्ट्रॉम्स इज मूविंग इन ए नॉर्थली डायरेक्शन, तूफान उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। ए पावरफुल स्नो स्ट्रॉम इज मूविंग ईस्टवर्ड, शक्तिशाली बर्फीला तूफान पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह का और भी सेंटेंस है, हर फीलिंग लाइटेंड एज द स्ट्रॉम पास्ट, तूफान के गुजरते ही उसकी भावनाएं हल्की हो गई। ये था वाक्य सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉम वर्ड शामिल है। स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान या आधी। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को कहते हैं, जो अक्सर सख्त मौसम के साथ आती है। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना,
भारी बारिश, भारी बर्फदारी, बादलों का चमकना और बिजली का चमकना जैसे मौसमी गतिविधियाँ दिखती हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें स्टॉर्म के बारे में आपको इसका हिंदी अर्थ, हिंदी मतलब और भी बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आज के अंग्रेजी शब्द के हिंदी अर्थ आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।